बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी शल डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग्स इन सी। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फाइव लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। टुडे वी शल डिस्कस द रिमेनिंग फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग इन सी। सो लेट्स बिगन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन डिस्कस करते हैं strcmp। str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, cmp स्टैंड फॉर कंपेयर, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वो कंपैरिजन किस तरह से होगा, किसी फार्मूले को, किसी ऑर्डर को यूज़ करते हुए हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कंपेयर्स टू स्ट्रिंग लेक्सियोग्राफिकली। लेक्सियोग्राफिकली का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न की जाएगी -1 इफ़ द फर्स्ट इज़ स्मॉलर। अगर पहला नंबर जो पहला जो स्ट्रिंग आप पास कर रहे हैं वो स्मॉलर होगा तो आपके पास जो रिटर्न होगी इस फंक्शन से वैल्यू वो -1 होगी। अगर तो पहला नंबर बड़ा होगा ऑब्वियसली तो फिर आपके पास +1 रिटर्न हो जाएगी। और अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो क्या होगा कि वो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। तो एग्जांपल को इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग्स ले लेते हैं, वर्ड वन और वर्ड टू के नाम से हमने दो स्ट्रिंग्स ले ली। अब ये वर्ड वन में हमने क्या स्ट्रिंग सेव वैल्यू सेव करवा दी, बेस। ठीक है, और वर्ड टू में हमने सेव करवा दिया बॉल रूम। अब इसमें होगा क्या कि हमने कंडीशन के अंदर, इफ़ कंडीशन के अंदर ये लिख दिया है कि अगर str cmp और वर्ड वन पास कर दिया वर्ड टू, यानी कि इसके अंदर दो वर्ड्स पास किए जाएंगे ताकि उन दोनों के अंदर कंपेरिजन किया जा सके। ठीक है, equal to 1। ठीक है, यानी कि जो इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न की जा रही है 1 वैल्यू। आपको याद होगा हमने कहा कि अगर इस फंक्शन के अंदर से +1 वैल्यू रिटर्न होगी, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस लिखा जाता है, तो होगा क्या कि जो फर्स्ट वाला नंबर होगा, फर्स्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा बेसिकली वो लार्जर होगा। अदरवाइज अगर -1 रिटर्न की जाएगी इट्स मीन कि जो फर्स्ट वाला है वो लार्जर नहीं होगा ऑब्वियसली, और अगर 0 रिटर्न किया जाएगा तो दोनों ही बराबर होंगे। अब हम लोगों ने इस कंडीशन के अंदर चेक कर लिया कि जो रिटर्न की जा रही है वो वैल्यू कौन सी है। अगर तो वो equal to 1 है तो इसकी बॉडी में हमने लिख दिया कि जो वर्ड वन है वो लार्जर होगा वर्ड टू से। ठीक है, अब जब कंपैरिजन होगा, इसका कंपैरिजन होगा कैसे, लेक्सियोग्राफिकली अल्फ़ाबेटिकली। बी को बी से कंपेयर किया जाएगा, इससे इस तरह से ए को ए से कंपेयर किया जाएगा, और एस को जब कंपेयर किया जाएगा एल से तो एस इज़ द लार्जर वन। एल्स एस को देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकली वो एल के बाद आता है। ठीक है, इसलिए इसको पहले हम लोगों ने लार्जर कंसीडर कर लिया, और बॉल रूम को उसको हम लोगों ने स्मॉलर कंसीडर कर लिया। बात क्लियर हो गई, लेक्सियोग्राफिकल कंपैरिजन किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि पहले वाले को हमने पहले वाले से कंपेयर किया, ये इक्वल आ रहे थे, दूसरे वाले जो करेक्टर था दूसरे वाले से कंपेयर किया, एस जो था वो ऑब्वियसली लार्जर था इसलिए इस वजह से हम लोगों का जो रिटर्न हुआ वो 1 रिटर्न हुआ, और हमारे पास वो इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगी और उसकी बॉडी में से जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई और आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नज़र आया। क्या नज़र आया, बेस इज़ ग्रेटर देन बॉल रूम। सो नेक्स्ट जो फंक्शन हमने अभी डिस्कस करना है वो है str and cmp। str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, अगेन n जो है वो कोई इंटीजर होगा। ठीक है, अब वो किस लिए यूज़ करेंगे अभी देख लेते हैं। उसके अलावा लास्ट में cmp स्टैंड फॉर कंपेयर, यानी कि n इंटीजर्स तक, फर्स्ट n इंटीजर्स तक कंपेरिजन होगा स्ट्रिंग्स का। टेक्स टू स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एंड एन इंटीजर। ठीक है, दो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट इसमें से पास किए जाएंगे और उसके साथ से एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी जाएगी और इनको कंपेयर किया जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे वर्ड वन है वर्ड टू है, ये दोनों को मैंने पास कर दिया किस फंक्शन में, str and cmp।
ठीक हो गया। और इसमें मैंने पास किया उसके साथ साथ वो इंटीजर वैल्यू जितने नंबर्स तक मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी दिखा था कि strcmp जो फंक्शन है वो कोई इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर तो अगेन वो बात की जाए कि फर्स्ट वाला लार्जर होगा तो +1 रिटर्न किया जाएगा, सेकेंड वाला लार्जर होगा तो -1 रिटर्न किया जाएगा, अगर दोनों इक्वल होंगे तो 0 रिटर्न किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट टू हम लोगों ने इन स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, स्ट्रिंग्स की जो भी हमारे करेक्टर्स होंगे उनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखें बी और बी को कंपेयर किया जाए तो दोनों इक्वल हैं, ए को कंपेयर किया जाए ए के साथ तो दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टू जो हमारे पास करेक्टर्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे DIF में 0 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिफ की वजह से 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है strchr। अब ये कौन सा फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने एक आर्गुमेंट तो वो स्ट्रिंग पास कर देनी है जिसके अंदर से हमने वैल्यू स्पेसिफिक सर्च करवानी है, ठीक है। और इसके बाद जो उनसे दूसरा आर्गुमेंट होगा वो करेक्टर सर्च भेज देना है, पास करा देना है, जो करेक्टर हम लोग पहली स्ट्रिंग में से सर्च कराना चाहते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि वो पॉइंटर एक वेरिएबल लेंगे और उसको उस करेक्टर के ऊपर हम लोग अकर कर देंगे, या उस करेक्टर से वो नेक्स्ट करेक्टर्स को रीड करेगा। वो किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल हमने एक लिया है वर्ड वर्ड टाइप की स्ट्रिंग, वर्ड वन के नाम से स्ट्रिंग ली है, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या किया, BASC BAL बेस बॉल हम लोगों ने इसके अंदर असाइन कर दी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक पॉइंटर टाइप की का करेक्टर लिया और उसके अंदर जो फंक्शन है मैंने यूज़ किया strchr फंक्शन यूज़ किया, और वर्ड वन जो था उसको पास कर दिया, वो स्ट्रिंग पास की जो मैं जिसके अंदर से वैल्यू सर्च करवाना चाहती हूँ। और उसके बाद मैंने वो करेक्टर पास कर दिया जो करेक्टर मैं इस स्ट्रिंग में से वर्ड वन में से सर्च कराना चाहती हूँ। तो होगा क्या कि ये जो एस इसमें से देखा जाएगा कि इसके अंदर एस करेक्टर कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। जहाँ पे होगा ये पुश, ये वाला जो PCH जो भी पॉइंटर है, ठीक है, ये इस एस के ऊपर पॉइंट कर दिया जाएगा और इस एस के बाद जितने भी करेक्टर्स हैं उनको रीड कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू को PCH में सेव करवा दिया जाएगा। अब जब आप इसको आउटपुट करेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी PCH स्टैंड फॉर पॉइंटर करेक्टर, तो PCH इज़ नॉट इक्वल टू जीरो नल, अगर ये नल के इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया तो हमने देखा कि एस के बाद जितने करेक्टर्स थे वो इसके अंदर आ चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं strchr। अब जो लास्ट वाला फंक्शन था उसमें ये था कि फर्स्ट अकरेंस पे जहाँ पे भी वो करेक्टर हमें रिक्वायर्ड करेक्टर मिल जाता था, फर्स्ट अकरेंस पे हम लोग उसकी वैल्यू को ग्रैब कर लेते थे और उसके बाद जितने भी करेक्टर्स थे उसको हम लोग सेव करवा देते थे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। लेकिन जो strrr है उसमें क्या होगा कि हम लोगों ने लास्ट अकरेंस वाले को करेक्टर को देखना है और उसके बाद जितने भी करेक्टर्स होंगे उनको हम लोग सेव करवा देंगे उस पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। तो वर्ड हमने बिल्कुल वही ले लिया बेसबॉल, और उसके बाद ए हमने सर्च किया। अब आप यहाँ देखोगे इस स्ट्रिंग के अंदर दो दफ़ा ए अक्कर हो रहा है, एक तो फर्स्ट में है एक लास्ट में है। अब जो फर्स्ट अकरेंस जो सी होगी वो कौन रीड करेगा, कौन कौन स्पेसिफाई करेगा, strchr, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट अकरेंस है वो सेव करी जाएगी और सेकंड अकरेंस जो सी होगी वो strrr में सेव करवा दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शन की strstr। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि स्ट्रिंग विद इन द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर से हम लोग कोई स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लोकेट करेंगे, सर्च करेंगे। अब जो इसके फंक्शन की बात कर ली जाए तो बिल्कुल उसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट कर देना है, उसके साथ साथ एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेना है और स्ट्रिंग वेरिएबल को पास कर देना है strstr फंक्शन में। अब strstr फंक्शन क्या करेगा, जो दो स्ट्रिंग वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा रहे हैं इसके फंक्शन में, तो जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट होगा उसमें दूसरे वाला
आर्ग्यूमेंट को सर्च करेगा, ठीक है। अगर तो वो सर्च मिल जाएगा और उसके आगे से, मतलब कि जहाँ तक हमें मिल जाएगा उसके आगे से जितनी भी स्ट्रिंग है उसको रीड करके पॉइंटर वेरिएबल में सेव करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बी ए डबल एल, ये आप लोगों को आउटपुट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ई बी ए सर्च करना था, ई बी ए कहाँ पे है, ई बी ए, उसके बाद जितने भी करेक्टर्स थे वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक और फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग एस टी आर टी ओ टी ओ के, इट स्टैंड फॉर स्ट्रिंग टोकन, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग डिफरेंट पीसेस में, डिफरेंट टोकन्स में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज स्ट्रिंग एस टी आर टी ओ के। इस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग्स को ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट टोकन्स में। और टोकन्स भी किस तरह से ब्रेक करेंगे, किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स के बेसिस के ऊपर स्ट्रिंग्स को हम लोग टोकन्स में, पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही ये डिलिमिटर्स अकर होंगे वैसे फ़ौरन ही स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। और जब स्ट्रिंग्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपके डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। तो हम लोग एक फ्रेज लेते हैं, डैट इज़ इंग्लिश फ्रेज, डैट इज़ एन इंग्लिश फ्रेज। तो उसके बाद हम लोगों ने डिलिमिटर्स ले लिए, यहाँ पे आप लोग एक डिलिमिटर भी ले सकते हैं। सो इन डिलिमिटर्स के बाद क्या होगा कि आपकी स्ट्रिंग को सेपरेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कॉमा और सेमी कॉलन लिखा है, इट्स मीन के जहाँ इस स्ट्रिंग के, फ्रेज स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, जहाँ पे भी कॉमा और सेमी कॉलन है उसके बाद स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस लिखूँगी तो हर वर्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है। नो को, नो के बाद जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक कर दी जाएगी, उसके बाद मैन के बाद जो स्ट्रिंग है उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, सिर्फ वो मैन अकर होगा। इस तरह से सो ऑन, एक एक वर्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पे दो डिलिमिटर स्पेसिफाई किए हैं, डेट इज़ कॉमा एंड सेमी कॉलन, और उसके अलावा हम लोगों ने एक करेक्टर टू द स्ट्रिंग पॉइंटर लिया है और उसके अंदर नल को, उसे नल 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 से इनिशिएट करवा दिया है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस रिज़ल्ट के अंदर वो वैल्यू असाइन कर दी, जो भी वैल्यू आएगी किस फंक्शन में से, एस टी आर टी ओ के। अब स्ट्रिंग टोकन जो हमें फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, डैट विल बी ब्रेक स्ट्रिंग। तो जो ब्रेक हुई हुई स्ट्रिंग होगी वो इस फंक्शन से रिटर्न कर दी जाएगी। यानी कि पहले मैंने फ्रेज पास कर दिया, ठीक है, ये वाला वेरिएबल, और उसके बाद मैंने डिलिमिटर्स पास कर दिए, दो आप लोगों ने इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। इसके बाद मैंने वाइल एक लूप लगाई और उसके अंदर क्या किया, मैंने इसको, इस स्ट्रिंग को आउटपुट करवा दिया। और इसके बाद जब दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगी, दोबारा से मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी ताकि जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग है उसको आउटपुट करवाया जाए, उससे पहले मुझे ज़रूरी है कि मुझे यहाँ पे नल पॉइंटर जो है वो असाइन करना है, वो कॉल करना है फर्स्ट, एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट में आप लोग वही डिलिमिटर्स पास करोगे, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो जी लिमिटर स्पेलिंग वही लिखे जाएंगे जो हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किए थे। सो होगा क्या कि ये दोबारा से रिज़ल्ट कैलकुलेट किया जाएगा, देन ये दोबारा से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इस तरह से ये तीन दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगी और लास्ट टाइम जाहिर है हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग बाकी नहीं रहेगी, तो वो रिज़ल्ट जो होगा वो नल के इक्वल आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास आउटपुट इस फॉर्म में आ जाएगी। और ये कॉमा के क्यों आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस कौन सा यूज़ किया है, बैक स्लैश एन और डबल कोट्स। जब भी हम लोगों ने किसी स्ट्रिंग को डबल कोट में आउटपुट करवाना होता है तो उसको हम लोग इस तरह से करते हैं, बैक स्लैश एन एंड डबल कोट, और उसके बाद हम लोग दोबारा से बैक स्लैश एन लगाते हैं और उसके बाद डबल कोट लगा देते हैं। और परसेंटेज एस किस के लिए लिखा था, इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ये रिज़ल्ट जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने लिख दिया। और दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द लाइब्रेरी स्ट्रिंग, लाइब्रेरी फंक्शंस। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।